ए व्हाट्स अप गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज मैं जो आपके लिए वर्कआउट लेके आया हूँ वो है हमारा बाइसेप्स का वर्कआउट। और इस वर्कआउट को कोई भी छोड़ना नहीं चाहेगा। और हम जो इसमें लेके आए, हमने 5 एक्सरसाइज आपके लिए बनाई हैं थोड़ा अलग तरीके से और थोड़ा अलग उसमें कि आपको सबसे पहले कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। बहुत ही मज़ा आएगा इस वर्कआउट को करने में, ज़बरदस्त पंप आएगा। और हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइस। सबसे पहले हम बाइसेप्स का वार्म अप करेंगे, जिसमें कि हम खाली रॉड लेंगे, बिल्कुल आपको उसको पकड़ना शोल्डर के बराबर में, और इसको इसके हम 15 से 20 रैप वार्म अप सेट लेंगे। देखिए किस तरीके से, ताकि हमारा जो हमारा बाइसेप्स हैवी वर्कआउट लेने के लिए अटेंशन हो जाए, तैयार हो जाए बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं, आपको भी ऐसे ही करना। सबसे पहले वार्म अप सेट लेना है, इससे 15 से 20 रैप होनी चाहिए हमारे। और उसी के साथ साथ हम एक सेट हम हैमर का भी लेंगे, आपको इसको 1 से 2 सेट वार्म कर सकते हैं इससे। और इसके भी सेम हम 15 से 20 रैप वार्म अप के तौर पर लेंगे। देखिए किस तरीके से करना है। और जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करें, उससे पहले आपको उसकी वार्म अप जरूर करना है, ताकि आपको कोई इंजरी ना आ सके। देखिए किस तरीके से करना है। आज जो हमारी बाइसेप्स की पहले एक्सरसाइज हो रही वो होगी हमारी हैमर कल। और इसमें हम आपको देख सकते हैं आपको इसको क्या करना है, आपको अंदर की तरफ को मूव करना है। और इसके भी हम सेम पहला जो हमारा एक्सरसाइज वो रहेगा, मीडियम वेट रहेगा, जिससे कि आपको कम से कम 15 रैप होने चाहिए। और ऊपर को आपको बिल्कुल अपने बाइसेप्स को टाइट करना है, नीचे को बिल्कुल स्लो लेके आना है। देखिए किस तरीके से। और जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो हम प्रीचर से स्टार्ट कर रहे हैं, बारबेल प्रीचर। देखिए किस तरीके से, आपको इसको बिल्कुल अपने शोल्डर के बराबर में पकड़ना है, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज। और इसमें भी हम वही पहला हमारा जो मीडियम वेट रहेगा उसको हमारे 15 रैप होनी चाहिए। उसी हिसाब को आपको हर सेट में वेट इंक्रीज करते आना है, 15, 12, 10, 8। आपको अगर अपना मसल गेन करना है तो 8 से 10 रैप हर उसमें होने चाहिए। तीसरी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल कल, जो कि आपको एक साथ कल करना है। और देखिए किस तरीके से, बिल्कुल आपको ऊपर बिल्कुल टाइट करना है, नीचे को स्लो रखना है, और अपने एल्बो को बिल्कुल सीधा नहीं करना है। इसमें भी हम वही सेम करेंगे, पहला हमारा जो रहेगा 15 रैप का रहेगा। उसके बाद हम जो सेकंड सेट करेंगे उसमें आप थोड़ा सा वेट इंक्रीज करेंगे। चौथी एक्सरसाइज है हमारी बारबेल कर्ल। ये जो एक्सरसाइज है सारी बेसिक है, आपको बस थोड़ा इसको इसका जो मूवमेंट देख सकते किस तरीके से करना है, बिल्कुल फील करके लेना है इसको, ताकि जो भी आपका सारा लोड हो सारा बाइसेप पे आए। इसका भी हमको आपको सेम वैसे करना है, 15 रैप पहला सेट, और हर सेट में आपको हर बार की तरह वेट इंक्रीज करते आना थोड़ा थोड़ा। देखिए किस तरीके से, बिल्कुल ऊपर टाइट करना, बिल्कुल नीचे को बिल्कुल स्लो लेके आना, ताकि आपका बाइसेप पे लोड आए सारा। हमारी पांचवी एक्सरसाइज है केबल कल। आपको ये बारबेल से भी कर सकते हैं और आप ये डी हैंडल से भी कर सकते हैं सिंगल हैंड करके। और इसमें आपको क्या करना है, बिल्कुल अपने एल्बो को सीधा नहीं करना है और सारा लोड अपने बाइसेप से इसको पुल करना है। देखिए किस तरीके से, और बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है। इसके भी आपको सेम वैसे ही करना है। और हमारे चैनल पे ऐसी बनी रखिए और ढेर सारा प्यार कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।